फ्रेंड्स, नॉर्मली जो सैंडविच बनाई जाती है ये मोस्टली ब्रेड से ही बनती है, लेकिन आज मैं आपके साथ सैंडविच की जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ इसमें हम ब्रेड का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी ये सैंडविच काफ़ी क्रिस्पी बनेगी, टेस्टी बनेगी और ये हेल्दी तो है ही। तो स्वागत है आप सभी का हेल्दी बावर्ची में, जहाँ आपको मिलेगी स्वाद के साथ सेहत फ्री। आज हम जो सैंडविच का बेस बनाएंगे ना, वो सूजी से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सूजी को भिगो देना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप भर के सूजी लिया है। अब इसमें आधा कप जितना हमें दही ऐड करना है और इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और आधा कप जितना हमें यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। अभी हम बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, बाद में अगर ज़रूरत लगी तो और पानी ऐड कर देंगे। अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ना 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट दे देंगे, क्योंकि सूजी को थोड़ी देर के लिए भिगो कर रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी सैंडविच जो है वो सॉफ्ट बनेगी, क्रंची बनेगी। तो अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे और तब तक हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज ली है, कद्दूकस किया हुआ गाजर लिया है, अमेरिकन कॉर्न को बॉयल करके लिया है और इसमें शिमला मिर्च को भी ऐड कर दिया है। सारी जो सब्जियों की क्वांटिटी है ना, वो मैंने यहाँ पर 2-2 टेबलस्पून जितनी ली है और इसमें 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट के ऐड किया है और इसमें स्वाद के लिए ओरेगानो को ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार थोड़ा नमक ऐड कर देंगे और इसमें 1 चम्मच जितना हमें ग्रीन चटनी ऐड करना है, जिससे ये सैंडविच का जो पूरा टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे कद्दूकस किया हुआ चीज़। तो 3 चीज़ क्यूब को आप इसमें ना कद्दूकस करके ऐड कर दीजिए और लास्ट में इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि इस सैंडविच के लिए आप यही सारी सब्जियां ले, आप अपनी चॉइस की सब्जियों भी ले सकते हैं। तो अभी ये हमारा स्टफिंग रेडी है। जब तक आप सब्जियां काटेंगे, स्टफिंग रेडी करेंगे, तब तक तो 15 मिनट हो ही जाएगा और 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो सूजी है ना, उसने सारा पानी सोख लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ना आधे कप में थोड़ा सा कम इतना पानी यहाँ पर फिर से ऐड कर लिया है और इसको फिर से हम मिक्स कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की सूजी की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा थीक भी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें थोड़ी सी अदरक और मिर्च की पेस्ट ऐड करेंगे और इसमें 1/2 टीस्पून जितना इनो ऐड करेंगे। इनो ऐड करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी सैंडविच जो है ना वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट बन पाएगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारा सैंडविच का बैटर रेडी है। अब सैंडविच बनाने के लिए ऐसा टोस्टर ले लेंगे और इसको आपको ऑयल या तो बटर से ग्रीस कर लेना है। इस सैंडविच को बनाने के लिए आपको बहुत ही कम बटर या तो ऑयल की ज़रूरत रहती है। तो अभी मैंने ग्रीस कर लिया है और फिर हमने जो बैटर बनाया था उसको पहले तो इसको चारों ओर से ऐसे कवर कर लीजिए और बीच में हमने जो स्टफिंग रेडी किया है उसको फिल अप कर लेंगे और लास्ट में फिर सूजी का बैटर है उससे पूरी सैंडविच को कवर कर लेंगे। और हमने यहाँ पर जो स्टफिंग रेडी किया था, जो क्वांटिटी सूजी की ली थी ना, उसमें से करीब 3 सैंडविच बनेगी। फ्रेंड्स, ये सैंडविच ना बहुत ही जल्दी से बन जाती है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस इस तरीके से आपको इस सैंडविच को पूरी तरीके से कवर करके रेडी कर लेना है और अब इसको हम डायरेक्टली गैस के ऊपर सेक लेंगे। सेकते वक्त आपको खास ध्यान ये रखना है कि इसको आपको ना हाई फ्लेम पर कभी नहीं सेकना है, इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, जिससे ये सैंडविच जो है ना वो अच्छे से अंदर तक कुक हो पाएगी और ये क्रिस्पी बन पाएगी। और इस सैंडविच को सेकने में आपको कम से कम 3 से 4 मिनट तो लगेगे ही और ज़रूरत लगे तो आप बीच में एक बार ना टोस्टर को खोल के भी देख सकते हैं कि आपकी सैंडविच का कलर कैसा आया है। तो इसे सेकते हुए मुझे करीब 3 से 4 मिनट हो चुके थे। तो अब ये सैंडविच मेरी रेडी है और आप देखिए इस सैंडविच को कोई कह ही नहीं सकता कि हमने इसमें ब्रेड का यूज़ नहीं किया है, ये इतनी क्रिस्पी भी बनी है। अब इसको ना हम कट कर लेते हैं और सर्व कर लेते हैं। तो जब भी आपके पास ब्रेड नहीं है, सैंडविच खाने का मन कर रहा है ना, तो आप इस सैंडविच की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और इसे बनाने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 20-25 मिनट में तो आपकी ये सैंडविच जो है ना वो बनकर रेडी हो जाते हैं। और ये बिना ब्रेड की बनी हुई है, बहुत सारी सब्जियाँ और चीज़ भी ऐड किया है, तो ऐसे ये एक हेल्दी ऑप्शन भी है। तो आप बच्चों के टिफिन के लिए बनाए, चाहे आप अपने नाश्ते के लिए बनाए या फिर शाम के डिनर के लिए इस सैंडविच को ज़रूर बना सकते हैं। बिना ब्रेड वाली ये सैंडविच ना ग्रीन चटनी और
टमाटो केचप के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी हेल्थी रेसिपीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।